इसलिए मैं आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। आप सबसे यही है कि एक दुआ बहुत ध्यान से मांगा करो कि हम क्या मांग रहे हैं और किस तरह मांग रहे हैं, क्योंकि इंसानी सोच समझ वो नहीं रखती है कि हमारी ये बेहतर क्या है। तो कुछ ऐसा मैंने मेरे मेंटर डॉक्टर मोहम्मद जवेद अहमद को उनका एक्सपीरियंस यही है कि एक्सी पॉजिटिव थी और फिर सूर्य रहमान से बेनिफिशरी हुए और वो क्योर हुए। तो वो जब अपना एक्सपीरियंस ये सुना रहे होते थे कि मैं सूर्य रहमान से हैप्पी सी नेगेटिव हुआ, तो मेरे अंदर एक बड़ी विश थी कि अल्लाह माफ़ करे कि मेरे साथ भी मैं पॉजिटिव होकर नेगेटिव हूँ तो कैसे होता है। और एक क्वेश्चन था मेरे अंदर कि एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मेरे अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक मेडिसिन भी करनी है, डिप्लोम्स ही लिए और फिर नेगेटिव हो रहा है। उस 2017 में आई गॉट ट्रिक्स 2 टाइम हेपसी को और 1 टाइम गेट्स का पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में करते हुए मुझे लगे। तो उसके बाद मेरे प्रोफेसर साहब काफ़ी जो थे वो स्केयर हुए कि ये यंग है और हाउस ऑफिसर अभी है और इसको पिक हुआ है, तो ये साइड के डिमोश हो जो बेटा ऑफ हो रहा है, जाके ना ग्लव निकालो और अपना PCR करो। तो मुझे तब ये ख्याल आया कि हम इंसुलों को तो सूर्य रहमान का कहते हैं कि सूर्य रहमान सुबह कब ठीक हो जाओगे, तो आज अपने आप को कहो ना, अपने आप को कहो कि सूर्य रहमान से ठीक हो जाओगे, तुम्हारा मसला हल होगा। खैर एट दैट टाइम मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि सबके लिए जहाँ सूर्य रहमान है एज अ मेडिसन तो वाई नॉट फॉर माई ऑन सेल्फ। तो मैंने अपने आप को तसल्ली दी और ऑपरेशन को असिस्ट करती रही है, ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने कभी अगर मैं आपको चेक नहीं करने की कोशिश की कि भला मेरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं मुझे सिम्टम्स मतलब 2017 से 2020-23 मैंने कभी कोई PCR या कोई टेस्ट नहीं करवाए। लास्ट मंथ मेरी दांत में पेन स्टार्ट हुई, मेरी बहन डॉक्टर अटेंड है तो मैं उसके पास गई, उसको विजिट किया, तो शी सेड के पहले अपना HBAC करवा के आओ और देखते हैं कि उसमें क्या है, क्योंकि मैंने गैजेट्स वैसे यूज़ करने हो, हम डॉक्टर्स को आता है कि HBAC के गैजेट्स अलग हम यूज़ करते हैं, बाकी नॉर्मल पैकेट्स के अलग हैं। मैंने वो लैब में जाके अपना ब्लड सैंपल ड्रॉ कराया और स्क्रीनिंग मेथड ऐसे उसको बच्चे को सैंपल लिया। अब वो जो 10 मिनट थे ना जब तक उसका टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आई, वो जो एक एनजाइटी स्ट्रेस का साइकिल मेरे अंदर से था कि अगर पॉजिटिव आया तो व्हाट विल आई डू। मैंने अपने घर में कभी नहीं बताया कि मुझे एड्स का या HBAC का प्रिक हुआ हुआ है। और फिर दूसरा ये था कि बहन साथ खड़ी है, इसको भी एक्सपोज हो जाएगा, और नेगेटिव आया तो वो एक डाउट की सिचुएशन मेरे अंदर थी। और वो जो उस टाइम पे वो स्ट्रॉन्गली अल्लाह ताला से बॉन्ड में कनेक्टेड हुई और उसके कहते हैं ना पंजाबी में गोडे गिटे पढ़ के दुआ मांगी ना, तो वो मुझे फील हुआ। मैंने बड़ी शिद्दत से उस टाइम पर सूर्य रहमान भी सुनी और अल्लाह मियाँ को बड़ी स्ट्रॉन्गली जुड़ के दुआ मांगी कि दादाजी ख्याल रखना, मैंने सूर्य रहमान सुनी हुई है एज अ वैक्सीनेशन। तो वो खैर थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी उससे मेरा टेस्ट जो था वो बचाया और उसने मुझे कहा मैडम दोनों नेगेटिव है। तो मैं थोड़ा वो सांस लिया, मेरी बहन भी थी तो शी आस्क्ड मी कि क्यों इतने स्ट्रेस, मैंने कहा कुछ नहीं है। तो अब मैंने कुछ मेरी मदर की डेथ के थोड़ा अरसा बाद मैंने अब एक्सपोज किया है मेरे तीन दफ़ा लाइफ में HBAC के थिंग सोच के हैं कि एड्स क्यों हैं। तो थैंक्स टू मखदूम सैयद अब्दुल अली बुखारी साहब जिन्होंने हमें ये इतना प्यारा सिस्टम दिया और दुआ और इसका बताया। क्योंकि कभी कभी एज अ डॉक्टर मुझे ये लग रहा होता है कि पेशेंट जब आपके सामने इसका BC का पड़ा होता है तो आपके अंदर एक पैनिक स्टेट होती है कि मैं इसको ट्रीट करूँ ना करूँ, मैं खुद इंजर्ड ना हो जाऊँ या मैं खुद इन्फेक्शन कैसे ना कर जाऊँ। तो उस टाइम पे सेल्फलेस होकर जो अटैम्प्ट डॉक्टर कर जाता है ना वो सेफ रहता है, और तो जितना ट्रैप हो जाता है वो फंसता है फिर BC का। तो इसलिए रिंग डॉक्टर हमें आउट ऑफ द वे जाके कभी कभी पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ता है। ये एक मेरा HBAC का लेटेस्ट एक्सपीरियंस था। बाकी मेरा जो एंग्जाइटी या मेरी पर्सनल लाइफ का वो मेरे फेसबुक पे मेरे ही नाम से बनी हुई है, उसमें मैंने बताए हुए हैं। और पेशेंट्स का अगर आपने जानना है और डिजीजेस का तो वो आप हमारे पास मसीहत चैनल से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।